नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को वायरस की वैक्सीन फ्री लगवाएगी। ममता ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा बयान ऐलान माना जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के कारण हो रहे पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए तमिलनाडु सरकार अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त इंटरनेट डाटा कार्ड देने की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार छात्रों को इंटरनेट डाटा कार्ड दिया जाएगा, जिसके वह ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकेंगे और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकेंगे। देश में लागू नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है और हरियाणा के हिसार में किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। इस मामले में डिप्टी स्पीकर के सुरक्षाकर्मी संदीप की शिकायत पर 7 नामजद सहित 20 किसानों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को लेकर अपने पुराने संबोधन का एक वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो। हरियाणा के करनाल में आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर संवाद करने के लिए महापंचायत बुलाई गई, लेकिन सीएम की महापंचायत के विरोध में जगह जगह किसान संगठन काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिलेवार किसानों की महापंचायत और संवाद का ऐलान किया है, लेकिन इसका विरोध लगातार जारी है। किसानों के विरोध के कारण कैमला गाँव में भी आज तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। करनाल में आज रविवार को उस समय हंगामा हो गया जब कैमला गांव में किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली का विरोध करने जाने लगे। पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े और वाटर कैनन भी चलानी पड़ी, लेकिन जब भी ये बात ना बनी तो पुलिस ने लाठियां भी चलाई। बता दें कि किसानों ने सीएम के विरोध का ऐलान किया है। 8 जनवरी के दिन अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ लिया था, जो कटीले तार पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे। बीएसएफ ने इनकी जांच की और गहन पूछताछ भी की, लेकिन बीएसएफ को इन युवकों से ना तो कोई हथियार मिले हैं और ना ही कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली जिस पर सेना को शक होता। इसलिए भारतीय सेना ने सभी 6 युवकों को रिहा कर दिया और रिहा किए गए युवकों की उम्र 20 से 21 साल बताई जा रही है। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दो अलग तिथियां और दिवस हैं। देश में हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए तब से इसे दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व को हिंदी भाषा के जरिए एक सूत्र में बांधने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर में वायरस का असर लगातार तेजी के साथ फैल रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,19,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं, जिसके कारण अब दुनिया भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं इस दौरान 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल दुनिया भर में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 19,33,000 के पार जा पहुंचा है। लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड फ्लू सेक्शन को बंद कर दिया गया है। बर्ड हाउस में लोगों को जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कानपुर चिड़ियाघर में बाड़े के सभी पक्षियों को मारने का आदेश प्रशासन ने दिया है। यहां भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। फिलहाल कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला एमडीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।